तर्जुना करते वक्त कम है, मैं आता हूं उमर फारूक की तरफ। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से मशहूर है, लोग कहते हैं कि लोग उमर फारूक को नहीं मानते हैं, मुअत्ता। लोग कहते हैं उमर फारूक को नहीं मानते हैं। उमर फारूक ने क्या किया? उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने 20 रकत पढ़वाया, ये लोग उमर फारूक को नहीं मानते, क्या पढ़ते हैं। लेकिन ये झूठ है, ये क्या है? ये झूठ है कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने 20 रकत पढ़ाया। उमर फारूक से जो सही सनद से साबित है वो कितना है? वो 8 रकत है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ मुअत्ता, ये मुअत्ता, मुअत्ता, मुअत्ता इमाम मालिक में आपके सामने खोलता हूं। सफा नंबर इसका है 94। सनद है मालिक मोहम्मद बिन यूसुफ अनि साइब बिन यजीद अन्नहु قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الداريا ان يقوم للناس ب 11 ركعه। कहते हैं कि सनद भी जरा नोट कीजिएगा। सनद इमाम मालिक फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन यूसुफ से मरवी है। इमाम मालिक मोहम्मद बिन यूसुफ से रिवायत करते हैं, वो साइब बिन यजीद से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह ने उबै बिन काब और तमीमदारी को हुक्म दिया अय्यकुम अलिनास कि लोगों को तरावी पढ़ाए बे एहदा अशरत रकतन। कितनी रकत? 11 रकत। तो उमर फारूक ने जो लागू किया था जमात में कितनी रकत? 11 रकत। ये मुअत्ता की हदीस बिल्कुल सही है। और किस तरह सही है? बुखारी मुस्लिम के लिए देखिए, क्योंकि मैंने जो नाम गिराया ना इसके सनद में जो लोग हैं पहले कौन है? पहले तो मालिक, इमाम मालिक की किताब है। इमाम मालिक किससे सुना रहे? मोहम्मद बिन यूसुफ से। वो किससे सुना रहे? साहिब बिन यजीद से। वो उमर फारूक का अमल रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो सनद है ठीक इसी सनद से बुखारी में कई हदीस मौजूद है। ये सिर्फ बुखारी के रावी नहीं है बल्कि इसी लाइन से बुखारी में कई हदीस आई है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपके सामने, ये मैं बुखारी बोलता हूँ, फतुल बारी और हदीस नंबर इसका खोलता हूं 1858। ये फतुल बारी हमारे पास जिल नंबर 4, फतुल बारी साहिब बुखारी जिल नंबर 4 और सफा नंबर इसका है 92। अब इसमें इमाम बुखारी अपने वस्ताद से नकल करते हैं और वो अपने वस्ताद से और वो अल मोहम्मद बिन यूसुफ से। यहां पे अल मोहम्मद बिन यूसुफ आगे क्या है? अनि साहिब बिन यजीद आगे क्या है? अनि साहिब बिन यजीद कल आगे हदीस शुरू हो रही। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो बुखारी की हदीस पर क्या फैसला करोगे? सनद पे क्या करोगे तुम? ज़ईफ है, ज़ईफ है तो बुखारी में कहां से आ गए? अरे अभी तो हमने एक हदीस पढ़ी इब्ने अशरफ की, हमने कहा ये रावी बुखारी मुस्लिम के। अरे ये तो रावी उसी तरतीब से, वही लाइन इसमें मौजूद है। ये बुखारी की हदीस जिस लाइन से आ रही उसी लाइन से हदीस आ रही है। और इसके बारे में तो उम्मत का इजमा कि इसके सारे रावी सही। और बुखारी में ये लाइन एक जगह मौजूद नहीं है, ये सनद एक जगह मौजूद कहीं। ये एक हवाला ये रखो, ये बुखारी में एक और खोलता हूं, ये हमारे सामने फतुल बारी जिल नंबर 6, जिल नंबर 6 और इसका मैं सफा नंबर खोलता हूं 45। मौता में क्या है? मालिक कहते हैं मोहम्मद बिन यूसुफ अनि साहिब बिन यजीद, उसके बाद डायरेक्ट हदीस आ रही है। ये देखो इमाम बुखारी अपने उस्ताद से रिवायत करते हैं, वो अपने उस्ताद से और वो क्या कहते हैं? अल मोहम्मद बिन यूसुफ, वही मोहम्मद बिन यूसुफ, अनि साहिब बिन यजीद, वही साहिब बिन यजीद, काल आगे हदीस, आगे हदीस। क्या बोलोगे इस हदीस के बारे में? ज़ईफ है। ये दूसरा नमूना, ये मुअत्ता की जिस सनद से हदीस मौजूद है और ये फारूक ने कहा 11 पढ़ना, वही सनद बुखारी में दो जगह मौजूद है। ये देखो बुखारी में तीसरी जगह यही सनद दिखाता हूं, तीसरी जगह यही सनद बुखारी में। ये हमारे पास है फतुल बारी जिल नंबर 7, फतुल बारी जिल नंबर 7 और सफा नंबर इसका मैं खोलता हूं, सफा नंबर है 462, हदीस नंबर 462, यहां देखें हदीस नंबर 462। ये फतुल बारी है जिल नंबर है 7, सफा नंबर है 449, हदीस नंबर है 462। ऊपर क्या है मुअत्ता में? मोहम्मद बिन यूसुफ साहिब बिन यजीद, इसमें इमाम बुखारी अपने उस्ताद से और अपने उस्ताद से वो कहते हैं मोहम्मद बिन यूसुफ, वही मोहम्मद बिन यूसुफ, قال سمعت صاحب بن يزيد, मैंने साहिब बिन यजीद सुना, قال आगे हदीस है, आगे हदीस। क्या बोलेंगे?
ये बुखारी की तीसरी हदीस भी सही है, क्या भी कमजोरी है उसमें, कहां वोट पकड़ोगे, मोहम्मद बिन यूसुफ को पकड़ोगे, पहले इमाम मालिक है, इमाम मालिक को क्या करोगे, चार हाथ पर है उनको पकड़ नहीं सकते, आगे मोहम्मद बिन यूसुफ है क्या कहोगे उनके बारे में, सारी रेंज क्या कहोगे, तीन जगह आ रहे बुखारी में, इसी रेंज जा रहे हैं, ये रखो। और इसी सनद से एक हदीस सही मुस्लिम में भी है, इसी लाइन से सही मुस्लिम में भी, यहां से भी दिखाता हूं आपको, ये सही मुस्लिम हमारे सामने अंग्रेजी वाली, ये नंबर तीन है। और मैं सफा नंबर खोलता हूं, सफा नंबर है 39 और हदीस नंबर है 1568। इमाम मुस्लिम अपने उस्ताद से निकल करते हैं, वो अपने उस्ताद से वो कहते हैं आर मोहम्मद बिन यूसुफ, यहां पे मोहम्मद बिन यूसुफ, वो कहते हैं कहते हैं समी तो साहिब बिन अजीज, मैंने साहिब बिन अजीज सुना, यहां भी साहिब बिन अजीज, कई लाइन से हदीस मुस्लिम आ रही, इसके बारे में क्या फैसला करेंगे बताओ। ये जो 11 रकत पढ़ाने वाली हदीस है कि उमर फारूक ने मुअत्ता में जो हदीस है कि उमर फारूक ने 11 रकत पढ़ने का हुक्म दिया था, ये उमर फारूक की बात जिस लाइन और जिस सनद से हम तक पहुंच रही है उसी लाइन उसी सनद से बुखारी मुस्लिम में रिवायतें मौजूद है। मैंने चार दिखाए, तीन बुखारी से और एक मुस्लिम से। अरे हम अगर किसी इब्ने माजा की हदीस को सही बोलते हैं तो कहते हैं लोग हदीस को नहीं बोलते, अब बुखारी मुस्लिम की हदीस के बारे में क्या फैसला होगा सोच समझ के बोलना। अगर इसमें कीड़े निकालोगे कि सनद गलत है तो हम आपसे सवाल करेंगे, यही सनद बुखारी में तीन जगह मुस्लिम में एक जगह मौजूद है, उसके बारे में आपका फैसला क्या है, ये सनद की बात कर रहा हूं। और अगर रावी को देखेंगे ना, रावी पता नहीं कितना है, मोहम्मद बिन यूसुफ को आप देखोगे बुखारी में कितनी जगह बहुत है, साहिब बिन यजीद को देखेंगे बुखारी में कितने मुस्लिम में कहा बहुत है। मैंने हर जगह से नहीं निकाला, मैंने वो चार जगह दिखाई है जहां दोनों एक साथ हैं, जहां दोनों उसी लाइन में जिस लाइन में मुअत्ता की हदीस आ रही है, वरना अलग अलग दोनों को दिखाते मुअत्ता मुस्लिम बुखारी में होता है। तो पता क्या चला, एक मोटे जहन वाला भी आदमी समझ सकता है कि जब बुखारी मुस्लिम में उसी सनद से हदीस आ रही उसी सनद से मुअत्ता की वो हदीस है। अब लोग क्या कहते हैं मुअत्ता की हदीस तो आपको नजर आ गई, उसी मुअत्ता में उमर फारूक ने 20 रकत पढ़ने का हुक्म दिया, अरे भाई वो सही है, आप कोई माई का लाल दिखाए बुखारी मुस्लिम में उसके रावियों को, कोई दिखाए उसके रावियों को, और उसमें अंदर जो कमजोरी जो इनकता है वो दिखाए कोई, उसमें उमर फारूक के बात ऐसे साफ नकल कर रहे हैं जिन्होंने उमर फारूक का जमाना पाया नहीं, लेकिन हम जो लाइन पेश कर रहे हैं इस लाइन से हदीस है बुखारी मुस्लिम। तो पता क्या चला, ये जो 11 रकत पढ़ने का हुक्म दिया उमर फारूक ने यही सही और हक है। इस दौर में बहुत हदीसें पेश की जा सकती हैं, लेकिन मैं इसी पर बस करता हूं, लेकिन हमारी दूसरी सीडी देखना ना भूलें। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक चीज और पेश कर दूं, ये बात होगी कुरान हदीस से, तीसरी चीज क्या दलील की बात हो रही थी, तो हदीस से यह साबित हो गया कि तरावी कितनी है 8 रकत है 11 रकत है। अब देखें इजमा, तो उमर फारूक के दौर में जो मुअत्ता से साबित हुआ कि 8 रकत पढ़ी जाती थी 11 रकत पढ़ी जाती थी इतने समय, उसके खिलाफ एक भी सही हदीस मौजूद नहीं। पता क्या चला, उमर फारूक के दौर में इजमा था, इजमा भी हमारे पास। और अगर कोई दावा करे नहीं उमर फारूक में कोई दूसरा भी मसलक था गिरोह था तो सब पेश कर, उमर फारूक के दौर में रकत तरावी कितनी रकत पढ़ी जाती थी इस ताल्लुक से सही और अथेंटिक बात सिर्फ मुअत्ता में, मुअत्ता में और भी किताबों में, लेकिन अथेंटिक बात सिर्फ 11 पढ़ी जाती थी, लेकिन 11 से इधर उधर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है, सही सनद से मौजूद नहीं, मौजूद है लेकिन सही सनद से मौजूद नहीं है।